हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स में यार जो नेक्स्ट पार्ट अपन करने वाले हैं वो इनइक्वालिटीज पे बात करने वाले हैं ना। तो इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं और उससे पहले उसके क्या क्या रूल्स हैं उस पर बात करेंगे। एंड सबसे पहले इनइक्वालिटी होती क्या है ना, किसी को अगर इसमें भी दिक्कत हो तो। जैसे यार अपन बोलते हैं कि एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, तो ये क्या है, आपका इक्वेशन है ना। और अगर मैंने कहा x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है या x प्लस वन लेस देन जीरो है तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही, लेकिन ये बराबर जीरो था और ये ग्रेटर देन या लेस देन जीरो है, या इस तरह से भी बोल सकते हो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है ना। इस चार तरह से आपको पता ही इनइक्वालिटी आ सकती है। तो दीज टाइप ऑफ सिंबल्स आर कॉल्ड इनइक्वालिटी है ना। सिंबल्स मतलब क्या, ये पूरी जो चीज है इसको इक्वेशन नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, बराबर नहीं है ये। ठीक है, चलो अब पता सबको इनइक्वालिटी के बारे में। तो अब हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं कि रूल्स क्या होते हैं इसके, है ना। ठीक है, तो जैसे मान लो सबसे पहले अगर यार आपको कुछ दे रखा है, सबसे पहला जो रूल है कि मान लो आपको दे रखा है कि x ग्रेटर देन y दे रखा है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ कुछ ऐड कर सकते हैं। भाई जैसे इक्वेशंस में बात करें यार, x बराबर y है और अगर मैं दोनों तरफ दो ऐड कर दूं, मैं बोलूं x प्लस टू बराबर y प्लस टू, तो एक ही बात है। दोनों तरफ अगर दो चीजें ऑलरेडी बराबर है, दोनों में तुमने बराबर बराबर समान नंबर डाल दिया तो बराबर ही रहेंगे। ऐसे ही अगर एक्स वाई से बड़ा है और मैं बोलूं एक्स में मैंने के ऐड कर दिया और वाई में भी के ऐड कर दिया, ठीक है, तो अगर ये है तो इसको ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, अगर एक्स वाई है और के एक पॉजिटिव नंबर है, के एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर एक्स वाई से बड़ा है और दोनों तरफ मैं बराबर क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं तो जो रिजल्टेंट है वो ऑलरेडी बड़ा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है ना। तो पहला रूल तो ये हो गया, इनइक्वालिटी में वी कैन ऐड एनी नंबर बोथ साइड। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। ऐसे ही जो दूसरी चीज है, वी कैन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो। ठीक है, वी कैन सब्ट्रैक्ट एनी नंबर बोथ साइड ऑल्सो। ठीक है, क्यों, हम क्या करेंगे, एक्स में अगर अगर एक्स वाई से बड़ा है, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो अगर मान लो दोनों में से बराबर बराबर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो वो बराबर ही तो रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। सपोज जैसे पांच बड़ा है दो से, मैंने दोनों तरफ वन घटा दिया, माइनस वन माइनस वन, तो यार चार एक से बड़ा ही तो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। तो जिस तरह हम इक्वेशंस में भी दोनों तरफ कुछ ऐड कर सकते थे या घटा सकते थे, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो हम जब इक्वेशन अपन पढ़ते हैं तो अपन बोलते हैं दो से दो काट दिया। बेसिकली हम काटना क्या होता है भाई, काटने को कोई मेरे पास कुछ चाकू तलवार तो है नहीं, ये मैंने उसी गर्दन उड़ा दी है ना बाहुबली बन में भाई, काट रहा बेसिकली। अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों काट दिया तो मैं बेसिकली दोनों तरफ ऑपरेशन क्या लगाता हूं, माइनस टू एड बोथ साइड, क्योंकि मैं ऐड कर सकता हूं। तो दोनों तरफ माइनस टू ऐड करोगे तो एक्स प्लस टू माइनस टू वाई प्लस टू माइनस टू, ये कट गया मतलब जीरो हो गया, तो एक्स बराबर वाई आ जाता है। इसलिए हम देसी भाषा में बोलते हैं कि मैं दोनों तरफ कुछ अगर है ऐसे काट सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं, है ना, बेसिकली हम सबट्रैक्ट करते हैं। ऐसे इनइक्वालिटी में भी दोनों तरफ अब जब कुछ दे रखा है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है ना भाई, दोनों तरफ कुछ जोड़ सकते हो, दोनों तरफ कुछ बराबर घटा सकते हो। सिमिलरली वी कैन कैंसिल टर्म बोथ साइड विच आर इन एडिशन, है ना, विच आर इन एडिशन मतलब जो सम में, जैसे मान लो सपोज आपको दे रखा है एक्स प्लस के ग्रेटर देन वाई प्लस के, तो आप के से के उड़ा सकते हो, मतलब दोनों तरफ के आप बेसिकली क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो बेसिकली दोनों तरफ के सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज अगर इससे बड़ी है तो बराबर क्वांटिटी में दोनों तरफ कोई चीज घटा भी दोगे तो भी वो बड़ी ही रहेगी। इसलिए हम बोलेंगे कि एक्स वाई से बड़ा है, मतलब अगर ये है तो इससे हम ये कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो अभी हमने दो तीन तीन बातें पढ़ी है अभी तक, कि अगर मान लो एक्स वाई से बड़ा है तो
तो मैं दोनों तरफ उसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूं सेम क्वांटिटी, और दोनों तरफ उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे उल्टा अगर मान लो दोनों तरफ अगर कुछ के कॉमन मतलब ऐड है, वो दोनों को मैं काट भी सकता हूं। काटना बेसिकली अपन देसी भाषा में बोल देते हैं ऐसी रैंडमली कि काट दिया, कैंसिल कर दिया। बेसिकली ऑपरेशन क्या लग रहा है, दोनों तरफ मैं के को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और अगर मैं दोनों तरफ के को घटा रहा हूं तो क्योंकि ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर दो क्वांटिटी में ये रिलेशन है तो दोनों तरफ के घटाने से कोई रिलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा, इसलिए सेम है ये। ठीक है, तो आप इस तरह से चीजों को कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट कि सपोज मान लो यार एक्स वाई से बड़ा है, तो अगर मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं, के से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या के एक्स के वाई से बड़ा होगा? अगर मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये चीज सही है? यहां से ये अपन इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो तीन बड़ा है दो से, आपने के की वैल्यू ले ली दो, तो छह बड़ा हो गया चार से, दोनों तरफ तीन दो से गुणा कर दिया। और अगर मान लो के की वैल्यू ले ली यार आपने माइनस दो, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस छह, और इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस चार। तो क्या माइनस छह माइनस चार से बड़ा होता है? ये तो नहीं होता, ये तो उल्टा होता है, माइनस छह तो माइनस चार से छोटा होता है। तो इससे हमें क्या पता चला बेटा कि अगर मान लो समथिंग ग्रेटर देन समथिंग दे रखा है, तो आप अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो अगर वो पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, इक्वेशन में तो अगर x बराबर y है तो आप k से गुना करोगे तो kx बराबर ky ही रहता है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन इनइक्वालिटी में इस चीज का फर्क पड़ता है। तो हम ध्यान रखेंगे इफ वी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग देन केस वन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम इफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, एंड केस टू साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस इफ एनीथिंग इज नेगेटिव। एनीथिंग क्या है? जिस एनीथिंग से हमने मल्टीप्लाई करा है, ठीक है ना। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मतलब आप ये बोल सकते हो अगर आप इसने k से मल्टीप्लाई करा कि kx बड़ा होगा ky से अगर k क्या होगा? पॉजिटिव। और kx छोटा होगा ky से अगर k क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो रूल नंबर फोर में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं और वो चीज पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा, और नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। एड करने में कोई दिक्कत नहीं थी, सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, मल्टीप्लीकेशन में लफड़ा है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में लफड़ा है तो इससे रिलेटेड जो गलतियां होती है, जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं अक्सर शुरू शुरू में, उनको अपन अब लिस्ट कर रहे हैं ध्यान से कि हमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो अगर मैं पांचवें पॉइंट पे बात करूं कि जैसे मान लो आपको दे रखा है एक्स ग्रेटर देन वाई, के एक्स ग्रेटर देन के वाई दे रखा है, ठीक है। या इससे भी पहले एक चीज, अगर मान लो आपको दे रखा है a बाय बी ग्रेटर देन सी बाय डी, ऐसा कुछ दे रखा है, तो अपन जल्दबाजी में जोश जोश में बोलते हैं a इंटू डी ग्रेटर देन सी इंटू बी, जैसा हम इक्वेशन में करने की हमें आदत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन should be avoided. क्यों अवॉइड करना चाहिए? इसका कारण समझो। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, आप इसके पीछे की मैथ समझो। यहां से यहां जाते वक्त रास्ते में आपने क्या करा? मैंने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड बी इंटू डी, ताकि बी से बी कट गया, इधर डी बच गया, इधर बी डी से डी कट गया और इधर बी बच गया, ये ऑपरेशन करा। अब हमने जिस चीज से मल्टीप्लाई करा है, हमें क्या पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमें नहीं पता ना। तो आप ऐसे मुंह फाड़ के
मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, इस बात को गांठ बांध लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको पता है कि b पॉजिटिव है d भी पॉजिटिव है तब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना। अगर मान लो आपको पता है कि bd पॉजिटिव है, bd पॉजिटिव है तो आपने दोनों तरफ bd से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका साइन सेम रह जाएगा, अदरवाइज आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, बात क्लियर है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अवॉइड करना है। दूसरी चीज, सपोज मान लो ऐसा दिया है के एक्स ग्रेटर देन के वाई, तो जैसे बच्चे इक्वेशन में करते हैं के एक्स बराबर के वाई, के से के उड़ा देते हैं और बोलते हैं एक्स वाई, तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि के से के उड़ा दे और इसको लिख दे एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो कैंसिलेशन शुड बी अवॉइडेड, कैंसिलेशन शुड बी अवॉइडेड। क्यों भैया, आप काट रहे हो बेसिकली, कोई तलवार लेके चाकू से थोड़ी काट रहे हो उसको कि गर्दन उड़ा रहे हो उसकी, है ना। आप क्या कर रहे हो, इसके पीछे की साइंस मैथ्स के इसके पीछे का स्टेप, आप बेसिकली डिवाइड बाय के कर रहे हो, डिवाइड बाय के कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय वन बाय के कर रहे हो, एक ही बात है, डिवाइड बाय के करना मतलब इंटू वन बाय के करना। तो यार जिस चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें नहीं पता, ठीक है, तो समझ में आया। अगर ये k पॉजिटिव है तब तो आप डिवाइड करके x ग्रेटर देन y बोल सकते हो, और अगर k नेगेटिव है तो आप x ग्रेटर देन y नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल से समझे, मान लो 2x ग्रेटर देन 2y दे रखा है, तब तो आप 2 काट के x ग्रेटर देन y बोल सकते हो, और मान लो आपको माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 2y दे रखा है तो आप माइनस टू काट के x ग्रेटर देन y बोलोगे, तो ये गलत है, क्योंकि बेसिकली आप नेगेटिव माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो एक्चुअल में x लेस देन y आएगा, ये सही है। तो जब तक हमें पता नहीं है उसका साइन क्या है, कि वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम बता ही नहीं सकते ना, तो यहां से ऐसे करना बिल्कुल गलत है, इसलिए इन जनरल कैंसिलेशन अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आपको पता है कि वो पॉजिटिव है तो आप काट सकते हो, साइन सेम रख दो, अगर आपको पता है वो नेगेटिव है तो भी आप काट सकते हो और आप बोल दोगे कि साइन इसका नेगेटिव चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं पता वेरिएबल है कि हम उसको ऐसे काट नहीं सकते। सिमिलरली यहां पे आपको पता है BD पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन सेम रहेगा, नेगेटिव है तो साइन रिवर्स हो जाएगा, बट जब तक वेरिएबल है वो हमें नहीं पता तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो भैया क्या क्या बातें बोली, जोड़ सकते हो दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, घटा सकते हो दोनों तरफ सेम चीज कोई फर्क नहीं पड़ता, दो कोई चीज सम में है दोनों तरफ उसको काट सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली आप घटा रहे हो। ऐसे ही आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ मुंह फाड़ के तो आप नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा, नेगेटिव है तो साइन उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा स्टेप करते वक्त भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे गर्दन नहीं काट सकते कैसे के की, क्यों, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा, नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए इन जनरल जब तक वो वेरिएबल है आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप नहीं कर सकते, इन चीजों पे आपको ध्यान देना, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर जो मैं बता रहा था ये बात भी मैं पहले कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, कि हम ऐसे कैसे के काटते हैं बेसिकली क्या, गर्दन मतलब ये थोड़ी सीधा काट रहे हैं उसको, हम ये बोलते हैं बेसिकली दोनों तरफ डिवाइड बाय के करते हैं, तो आप इससे ये तभी कर सकते हो जब k जीरो नहीं है, क्योंकि अगर k जीरो होता तो आप दोनों तरफ डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि आपको दो केस लेके चलने पड़ते हैं कि k जीरो है या k जीरो नहीं है, या आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे कॉमन लेना पड़ता है kx माइनस ky बराबर जीरो, तो आप k को कॉमन लोगे x माइनस y बराबर जीरो, अब आप बोलोगे या तो k जीरो है या x बराबर y है, इस तरह ये दो केस बनते हैं। इक्वेशंस में आपको ये चीज मैं बता चुका हूं, अब इनइक्वालिटी में बता रहा हूं, ऐसे मुंह फाड़ के कैसे के काटना नहीं है जब तक हमें उसका साइन नहीं पता हो, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं इसके, ठीक है। अब जैसे अगला पॉइंट है सेवंथ पॉइंट, ठीक, कि अगर मान लो आपको दिया a ग्रेटर देन b
और दिया आपको सी ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, पर अगर आपको दिया ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी तो आप ऐसे घटा नहीं सकते, ये चीज गलत है, या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज भी गलत है, या डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे, ये चीज भी गलत है, ठीक है। कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूं, पॉइंट लिखा देता हूं पहले, कि एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी इज वैलिड, बट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नॉट वेल। जनरली अपन ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे, जैसे मान लो मैंने कहा दो बड़ा है या तीन बड़ा है एक से, और फिर मैंने कहा दो बड़ा है या पांच बड़ा है दो से, ठीक है। तो अगर आप इसको घटाते हो, ऐसे सबट्रैक्ट करते हो, तो तीन में से पांच गया तो माइनस दो, एक में से दो गया तो माइनस एक, और अगर आप ऐसे बोलते हो माइनस दो माइनस एक से बड़ा है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना। और अगर आप उल्टा करते हो कि पांच दो से बड़ा है और तीन एक से बड़ा है और घटाते हो, तो आप बोलोगे दो बड़ा है एक से। तो देखो, कभी तो ये चीज सही हो रही है, कभी ये चीज गलत हो रही है, तो एक आप कोई रूल तो नहीं बना सकते ना, समझ रहे मेरी बात। जैसे मान लो मैंने इसमें से इसको घटाया, तो आप बोलोगे माइनस दो माइनस एक से बड़ा है, लेकिन वो गलत है, माइनस दो से माइनस एक से छोटा होता है। ऐसा करोगे तो आप बोलोगे दो एक से बड़ा है, तो सही है। तो कभी सही है कभी गलत है, ये तो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल डिपेंड करेगा। तो इन जनरल इनइक्वालिटीज को ऐसे घटाया नहीं जा सकता, ऐसे ही आप मल्टीप्लीकेशन में समझो, ठीक है। मान लो मैंने कहा तीन बड़ा है एक बटा चार से, ठीक है, और इधर आ गया आपका एक बड़ा है माइनस एक बड़ा है आपका माइनस दो से, और दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस तीन, और इधर क्या आ जाएगा माइनस हाफ। तो देखो दोनों में कौन बड़ा है, माइनस तीन थोड़ी बड़ा है, माइनस हाफ बड़ा है, तो ये तो गलत आ गया। और मान लो एक बार ऐसा दे रखा हो तीन बड़ा है एक से, चार बड़ा हो दो से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ गया दो से बड़ा, तो यहां ये सही है यहां ये गलत है। तो इस तरह के फंडे अपन नहीं लगा सकते, ठीक है ना भाई। अगर मान लो किसी को लगे कि सर ये आपने नेगेटिव ले लिया इसलिए आप कह रहे हो, मैं आपको पॉजिटिव में भी एग्जाम्पल दिखा देता हूं, ठीक है। पॉजिटिव में जैसे मान लो मैंने कहा एक बड़ा है दो बड़ा है एक से, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में, हाँ ये बात तो मैं आपको बताने वाला था, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, कि इन जनरल आप इनइक्वालिटी को जोड़ सकते हो, घटाना, गुना करना या डिवाइड करना, ये सही नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अभी मैंने बोला कि सर ये नेगेटिव था इसलिए आपका लफड़ा पड़ गया, कि क्या पॉजिटिव में कर सकते हो क्या, तो वो अगला पॉइंट में यही बोलने वाला था कि पॉजिटिव में आप कर सकते हो, पॉजिटिव में आप कर सकते हो, नेगेटिव में आप नहीं कर सकते, मतलब सारे नंबर ये पॉजिटिव है ना, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे ये चारों पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन चारों पॉजिटिव नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और सब्ट्रैक्ट तो और डिवाइड तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो इसको और इसको डिवाइड करूंगा, इसको और इसको, तो क्या आएगा तीन बटा फाइव ग्रेटर देन हाफ। तो देखो यहां से तो आ रहा है 0.6 बड़ा है 0.5 से, और अगर इसको डिवाइड करोगे तो 5/3 ग्रेटर देन 2, ये तो गलत आ रहा है ना। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल ही इनइक्वालिटीज का नहीं कर सकते, एडिशन हमेशा कर सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं जब चारों पॉजिटिव है ना। तो ये तो ऐसे इलस्ट्रेशंस लिए थे अपन ने समझने के लिए। इन जनरल आप तो एक चीज याद रखो कि अगर ऐसे इनइक्वालिटीज दी हैं तो एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी इज वैलिड ऑलवेज।
बट सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इज नॉट वैलिड एंड नॉट इफ ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव देन मल्टीप्लीकेशन इज वैलिड देन मल्टीप्लीकेशन इज वैलिड जैसे ए ग्रेटर देन बी है सी ग्रेटर देन डी है तो आप बोल सकते हो ए सी ग्रेटर देन बी डी है बट ओनली वेन ए बी सी डी चारों ही क्या है पॉजिटिव नंबर्स है सही है भाई तो मल्टीप्लीकेशन तब कर सकते हो अदरवाइज सब्ट्रैक्शन डिवीजन कभी नहीं करना और ऐड आप हमेशा कर सकते हो ठीक है एक नोट और सपोज कभी आपको ऐसा कुछ बनाना हो a माइनस बी सी माइनस डी है ना तो पता है क्या करते हैं अपन इस तरह की चीजों को क्रिएट करने के लिए मान लो आपको दे रखा है a ग्रेटर देन d ठीक है और आपको दे रखा है d ग्रेटर देन b सॉरी a ग्रेटर देन c d ग्रेटर देन b तो यहां से ये बनाने के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं इस इनइक्वालिटीज को पहले आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि मुझे माइनस बी और माइनस डी बनाना है माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस बी बड़ा हो जाएगा माइनस डी से और इसके अंदर इस इनइक्वालिटी को ए बड़ा है सी से इनको आप ऐड कर दोगे तो जब ऐड कर दोगे तो ए माइनस बी ग्रेटर देन सी माइनस डी आ जाएगा तो बेसिकली ये यहां ऐसी चीजें देखने के बाद बच्चे के दिमाग में आता है कि सर आपने कहा था सब्ट्रैक्शन तो है नहीं फिर आपने सब्ट्रैक्ट क्यों कर दिया तो बेसिकली हम वहां ऐड ही कर रहे होते हैं घटा नहीं रहे होते हैं इस तरह की चीजों से ये चीजें बनाई जा सकती हैं बट हम ऐड कर रहे हैं ठीक है ना सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन आप पॉजिटिव में कर सकते हो ठीक है भाई चलो एक फंडा और कि सपोज एक्स वाई से बड़ा है एंड एक्स वाई पॉजिटिव है पहले मैं चलो केस ही बना देता हूं एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है और एक्स वाई से बड़ा है तो पक्की बात है उसका स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से बड़ा होगा जैसे मान लो तीन बड़ा है दो से तो उसका स्क्वायर करोगे तो नौ बड़ा ही होगा चार से और अगर एक्स वाई नेगेटिव है एक्स वाई नेगेटिव है और एक्स बड़ा है वाई से तो जब आप स्क्वायर करोगे तो वो उल्टा हो जाएगा देख लो मान लो माइनस दो बड़ा है माइनस एक से सॉरी माइनस दो तीन बड़ा माइनस दो बड़ा है माइनस तीन से है ना और आप जब स्क्वायर करोगे तो चार छोटा होगा नौ से तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा दोनों पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा स्क्वायरिंग करने पे दोनों नेगेटिव है तो साइन पलट जाएगा लेकिन अगर एक्स वाई में वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव One is positive and other is negative. तो आपको स्क्वेरिंग नहीं करनी है अवॉइड स्क्वेरिंग अवॉइड स्क्वेरिंग आप इसको ऐसे समझ सकते हो सपोज x है तीन और y है माइनस वन तीन माइनस वन से बड़ा है तो स्क्वेरिंग करोगे तो नौ एक से बड़ा है यहां तो ये सही है और अगर मान लो ऐसा है दो बड़ा है माइनस चार से और स्क्वेरिंग करोगे तो चार सोलह से बड़ा नहीं है यहां ये पलट गया यहां सेम रहा स्क्वेरिंग करने पे यहां पलट गया तो पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा रहता है तो वेरिएबल्स में अपन को नहीं पता कौन क्या है किसका मैग्नीट्यूड कैसे है तो अगर इन जनरल एक्स ग्रेटर देन वाई है तो आप स्क्वेरिंग करके एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर इस तरह कुछ नहीं बोल सकते अपन को उसको अवॉइड करना है ठीक है तो और इसमें वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी स्क्वेरिंग की क्यों अगर बेटा आपने कहा प्लस ग्रेटर देन माइनस है तो ये तो हमेशा ही ट्रू है ना तो एक्स बिलोंग्स टू आर आ जाएगा मान लो एक तरफ क्वांटिटी पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तो ये तो हमेशा ही ट्रू है और अगर मान लो एक तरफ नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है तो ये कभी भी सत्य नहीं है भाई नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव से बड़ा थोड़ी होता है तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू वाई आ जाएगा ठीक है तो ऐसी चीजों में तो हमें कभी कुछ देखने की करने की जरूरत नहीं है तो अवॉइड करें ऐसे ही डिसीजन ले लें बट प्लस है तो सेम साइन सेम रहेगा और नेगेटिव है दोनों तो साइन पलट जाएगा ठीक है भाई तो ये इनइक्वालिटीज के कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं ठीक है क्या क्या दोनों तरफ जोड़ सकते हो घटा सकते हो जुड़ी हुई चीज को ऐसे काट सकते हो दोनों तरफ गुना करना है तो पॉजिटिव है तो सेम रहेगा नेगेटिव है तो पलट जाएगा बेसिक फंडा ये इसी कारण हम दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जिससे हम मल्टीप्लाई करें हमें पता नहीं है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों तरफ कुछ कैंसिल नहीं कर रहे बिकॉज जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं हमें पता नहीं है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ठीक है ना
उसके बाद हमने ये बात करी थी, दोनों इनइक्वालिटीज को जोड़ सकते हैं, कभी घटा सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, चारों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद ये दोनों पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, दोनों नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग करके साइन पलट सकते हो, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग नहीं करनी है, उसके इसमें करना क्या है ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है चलो। ठीक है ये अपने रूल्स हो गए। अब अपन कुछ एकदम सिंपल सी, जैसे छोटी सी इनइक्वालिटी पे मैं बात करता हूं कि उसको अपन कैसे डील करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो यार कोई भी अपने लीनियर इनइक्वालिटी आपको दे दी, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो आप इसकी एक चीज समझो कि ये चीज जीरो कब हो रही है ना, ये चीज जीरो कब हो रही है, तो वो पॉइंट निकालने के लिए आप बोलोगे एक्स बराबर तीन पे हो रही है, एक्स बराबर तीन पे हो रही है। अब आप रियल लाइन पे ये तीन कहीं होगा, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर वो फैक्टर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वेयर फैक्टर इज बिकमिंग जीरो। ठीक है, अब देखो ये रियल लाइन है, ये प्लस का इनफिनिट है सपोज, और ये ऐसे माइनस के इनफिनिट तक जा रही होगी। ठीक है, तो बेटा तीन से बड़ा कोई भी नंबर रखो, सपोज चार रखा, तो चार माइनस तीन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पांच रखा तो पांच माइनस तीन पॉजिटिव, दस रखोगे दस माइनस तीन पॉजिटिव, तीन से जस्ट बड़ा, अब जस्ट बड़ा तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं नंबर नहीं होता, बट मान लो 3.1 रखा माइनस तीन तो भी पॉजिटिव, 3.01 रखा माइनस तीन तो भी पॉजिटिव। आप देख सकते हो तीन के राइट साइड में से कोई भी नंबर रखो और उसमें तो ये पॉजिटिव ही आएगा, और तीन के लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर रखो, जैसे मान लो दो रखा तो दो माइनस तीन क्या आएगा, नेगेटिव, जीरो माइनस तीन क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस वन माइनस तीन माइनस क्या आएगा, नेगेटिव, तो इधर वाले सारे नंबर के लिए क्या आ रही है, नेगेटिव, और तीन पर वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, एग्जैक्ट तीन पर वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तीन ने क्या करा, इस पूरी रियल लाइन को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक ये और एक ये, मतलब ये वाला इंटरवल तो क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से ओपन तीन, तीन को छोड़ दो, और ये वाला इंटरवल क्या हो गया, तीन से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये वो एरिया है जहां पर उस चीज का साइन क्या है, पॉजिटिव, और ये वो एरिया है जहां पर इस चीज का साइन क्या है, नेगेटिव। अब आपसे पूछा है कि इसको सॉल्व करो सपोज, है ना, एक्स क्या होगा, तो ऐसा कौन सा एक्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप आंसर दे दो कि क्लियरली कि एक्स बिलोंग्स टू आपका थ्री से इंफिनिटी होगा, तीन से इंफिनिटी के लिए ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। और इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता एक्स माइनस थ्री नेगेटिव क्या होगा, तो आप आंसर दे देते माइनस इंफिनिटी से, और इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता x माइनस थ्री जीरो या जीरो से बड़ा कब होगा, तो देखो तीन से आगे तो वो पॉजिटिव है और तीन पर वो जीरो है, तो यहां से आप इसका आंसर दे देते x बिलोंग्स टू क्लॉज थ्री से इनफिनिटी। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि एक लीनियर फैक्टर का एक रूट आया, उस रूट ने रियल लाइन को दो भागों में बांटा, एक तरफ पॉजिटिव आया एक तरफ नेगेटिव आया, पॉजिटिव वाला पूछा तो वो आंसर दे दिया, नेगेटिव वाला पूछा तो वो आंसर दे दिया, जीरो को इंक्लूड कर दिया तो वो आंसर दे दिया, कोई दिक्कत इसमें। इसी में अगर मैं बोलूं आपसे कि चलो एक चीज और, इसको मैं एडिट कर रहा हूं, थ्री माइनस या फाइव माइनस एक्स होता, क्रिटिकल पॉइंट क्या आता, फाइव, जिसमें वैल्यू आती जीरो, ये प्लस इनफिनिट को जा रहा है ये माइनस इनफिनिट, तो पांच से बड़ा कोई भी नंबर रखो इसमें, छह सात आठ, आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, और पांच से पहले रखो कोई भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो अगर इसका सॉल्यूशन पूछा है कि पॉजिटिव हो, तो आप बोल सकते हो कि एक्स क्या होना चाहिए, माइनस इनफिनिट से फाइव ओपन,
ये बात समझ आ रही। तो हमें ये पता चला कि जो लीनियर है ना, लीनियर अगर x प्लस ए है फैक्टर और ये पॉजिटिव है, मतलब इसका जो कोफिशियंट है, ये कोफिशियंट कोफिशियंट जो है पॉजिटिव है, ठीक है, तो माइनस ए पे ये जीरो होगा, इसके इधर ये पॉजिटिव होगा, इधर ये नेगेटिव होगा। और अगर मान लो x प्लस ए में, या मान लो सॉरी मैं अभी पॉजिटिव किया, मैंने पॉजिटिव तो दिखाई रखा है ना, x को पॉजिटिव x के साथ वन लगा रखा है, और मान लो ऐसा होता a माइनस x, तो आपको पता है a के राइट में ये नेगेटिव होता और a के लेफ्ट में पॉजिटिव होता। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो इन जनरल अभी जो मैं आगे ये चीज मैं ये किसकी तैयारी करा रहा हूं, ये मैं आपको छोटी 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 चीजें सिखा रहा हूं जो अब हम एक बड़ा सा कुछ करने वाले हैं उसमें काम आने वाले जो आपके, ठीक है। तो हमने एक चीज सीखी, अगर जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है तो उसके राइट में वो पॉजिटिव होगा, इधर वो नेगेटिव होगा। अगर वो नेगेटिव है तो इसके राइट में ये नेगेटिव होगा और इसके पीछे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, सपोज मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता है यार 1 अपॉन 5 माइनस एक्स, या एक चीज में जैसे मैंने अभी बताया था एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 था, और एक चीज मैं ले रहा हूं एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसके लिए तो अभी अपन ने बोला था ये देखो 3 है, ये 3 के राइट में पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इसका जो आंसर था वो क्या था आपका, क्लोज 3 से इनफिनिट, यहां से यहां तक ये सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल थी। लेकिन इसका जो आंसर है इसमें भी देखो x 3 है, 3 के आगे ये पॉजिटिव होगा, 4 रखो 5 रखो पीछे जाओगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो आपको पॉजिटिव चाहिए। तो आप 3 से इनफिनिट लोगे या क्लोज 3 से इनफिनिट लोगे, ये भी 0 है, मान लो इक्वालिटी 0 है। तो ध्यान दो इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब x बराबर 3 रखोगे तो डिनोमिनेटर बराबर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता क्योंकि 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड है, ये आपको बताया जा चुका है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 हम होने नहीं देंगे, हमें जान से प्यारा है डिनोमिनेटर, उसको हम कभी भी 0 नहीं होने देंगे, ठीक है। तो एक दो छोटी छोटी मैंने बातें ये बताई कि अगर आप लीनियर फैक्टर है, अगर इसके x का कोफिशिएंट ये जो पॉजिटिव है तो राइट में पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा, तो इन जनरल हम पॉजिटिव बनाकर खेला करेंगे, बाकी कोई रूल नहीं है, अगर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज डिनोमिनेटर वगैरह में इस तरह चीजें हैं तो वो डिनोमिनेटर वाला 0 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो इनफिनिट को जाएगा, और ऊपर अगर इक्वल्स टू 0 है तो आप ये वाला पॉइंट इंक्लूड करोगे, नहीं है तो वो नहीं करोगे, ठीक है। ये अगर आपने बात समझ ली तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब सिखाने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, है ना। बेसिकली एलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व, सबको सॉल्व करने का एक कॉमन फंडा है, जो मेथड है उसको नाम दे देते हैं वेवी कर्व मेथड। तो एक मैं क्वेश्चन लूंगा उसके अंदर ही आपको उसके स्टेप्स और रूल सब समझा दूंगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से समझना और फिर हम उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लें सॉल्विंग एलजेब्रिक इनइक्वालिटीज, एलजेब्रिक क्या है, एलजेब्रिक मतलब जिसमें सिर्फ ये एक्स वेक्स है ना, अभी वो बाकी जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है एक्सपोनेंशियल लॉग और वो सब चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। Solving algebraic inequalities, इसको हम लिख सकते हैं वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे, उसी में सारी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कोई क्वेश्चन है, मान लो x प्लस 2 का स्क्वायर, x माइनस प्लस 3 की पावर 3, एक्स की पावर 4, सॉरी
एक्स प्लस वन, एक्स की पावर फोर, एक्स माइनस वन की पावर फाइव, ठीक है, डिनोमिनेटर में है सपोज एक्स माइनस टू की पावर सेवन और एक्स सेवन माइनस एक्स की पावर पांच, ठीक है, इस तरह से कुछ आपको एक्सप्रेशन दे दिया और वो बोला ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करो। एंड ऑफ अपन क्वेश्चन लेते, इसमें बहुत सारी चीजें अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, स्टेप वन अपन को हमेशा क्या देखना है कि ऑल द लीडिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सप्रेशंस, ऑल द लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग मतलब जैसे अभी तो यहां लीनियर है, लीनियर है तो x प्लस माइनस a होगा, ए एक्स प्लस बी होगा, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, क्यूबिक होगा तो एक्स क्यूब होगा, तो अगर वो फैक्टराइजेबल होते हैं तो अच्छी बात है, और मान लो क्वाड्रेटिक वगैरह फैक्टराइजेबल नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर है ना जो लीडिंग कोफिशिएंट, उसको क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो ऑल द लीडिंग कोफिशिएंट्स शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, जैसे यहां पर देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एक्स पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पर ये नेगेटिव है, तो मैं इसको बाहर निकाल के ऐसे लिखूंगा एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री, एक्स प्लस टू का स्क्वायर, एक्स प्लस वन, एक्स की पावर फोर, एक्स माइनस वन की पावर फाइव अपॉन एक्स माइनस टू की पावर सेवन इंटू एक्स माइनस सेवन की पावर फाइव, एक माइनस बाहर आ गया, क्यों, जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वन की पावर फाइव वो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ गया ग्रेटर देन जीरो। अब आपको पता है कि ये माइनस को अगर उड़ाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करके आपने क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया ये, सही है भाई। नाउ स्टेप टू, तो स्टेप वन क्या था, ऑल द लीडिंग कोफिशिएंट्स शुड बी पॉजिटिव, इफ नॉट कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमने अब कर ली है, यहां पर नहीं थी तो कर ली, होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। नाउ फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, सबके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो एंड प्लॉट ऑन रियल लाइन, रियल लाइन पे देखो बढ़ते क्रम में लगाएंगे ऐसे इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये सबको पता है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो देखो सबके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए मैंने, ये कब जीरो होगा, ये जीरो होगा वन पे तो एक्स बराबर वन आएगा, ये कब जीरो होगा जीरो पे तो जीरो आएगा, ये कब जीरो होगा माइनस वन पे, ये कब जीरो होगा माइनस दो पे, ये कब जीरो होगा माइनस थ्री पे, ये कब जीरो होगा दो पे, और ये कब जीरो होगा सेवन पे, तो सबको लाइन से जमा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन है माइनस थ्री, फिर माइनस टू, फिर माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर सेवन, ठीक है, ये आ गया, इधर प्लस इंफिनिटी होगा, इधर माइनस इंफिनिटी होगा, ठीक है भाई। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अब ये देखो बेटा कि इन पॉइंट ने एक दो तीन चार पांच छह सात पॉइंटों ने लाइन को कितने हिस्सों में बांट दिया, आठ हिस्सों में बांट दिया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये वाला हिस्सा है माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री, ये माइनस थ्री से माइनस टू,
माइनस टू से माइनस वन, माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, वन से टू, टू से सेवन, सेवन से इंफिनिटी। तो अब मेरा पहले आप ये समझो कि मैंने ये सबको पॉजिटिव बनाने का मेरा पर्पज क्या था। पॉजिटिव बनाने का पर्पज ये था कि जब मैं एकदम इन्फिनिट की तरफ दौड़ रहा हूंगा, ठीक है ना, इन्फिनिट की तरफ दौड़ रहा हूंगा, तो क्या होगा कि जब x इसमें इन्फिनिट रखूंगा, ये भी पॉजिटिव, 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 तो सारे एक्सप्रेशन है ना भाई, अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, 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 तो सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन रहे होंगे, मतलब इस तरफ प्लस का साइन आप लिख सकते हो मूव करके, ठीक है ना। तो स्टेप थर्ड यही है, राइट प्लस साइन इन राइट मोस्ट कॉर्नर, राइट मोस्ट सबसे राइट वाली साइड में, ठीक है ना, मुंह फाड़कर लगा दिया अपने बिना सोचे। ऐसा क्यों कर पाए इसका लॉजिक मैं आपको साथ ही बता रहा हूं, क्योंकि हमने सभी के लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया, तो जब इनफिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो वैल्यू इनफिनिटी आएगी, और इसके बाद तो इस रीजन में एक ही साइन रहेगा उसका, देखो तो सात से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। अगर आप ये ना करते तो होता क्या, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मान लो गिवन क्वेश्चन में आप करते तो ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, सात से बड़े नंबर पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव आता, तो सात से बड़े नंबर पे नेगेटिव आता, उसकी पावर क्या ओड है, तो नेगेटिव ही आता, तो ओवरऑल हमें साइड में लास्ट में क्या रखना पड़ जाता, माइनस साइन। तो या तो आप बेसिक से चलो ये सब ड्रामा मत करो, आप तो सीधा क्रिटिकल पॉइंट लगा दिए और लास्ट में साइन चेक कर लो वैल्यू पुट करके, और फिर नीचे लास्ट में माइनस लगा दो। अगर ये आपको शुरू में दिक्कत लगती है तो हमने बच्चों के लिए क्या करा कि आप ऐसा करो, इनको सबको पॉजिटिव बना दो, अब मुंह फाड़ के राइट में प्लस लगा दो। तो मुंह फाड़ के राइट में प्लस तभी लगा सकते हैं जब बाकी कोफिशिएंट अपन ने पॉजिटिव बना लिए, अगर वो नहीं है तो आप वैल्यू रख के साइन देखो गिवन एक्सप्रेशन का, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ही रखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आएगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऐसा करो मुंह फाड़ के सबके प्लस बना लो और फिर लास्ट में मुंह फाड़ के आप रख दो पॉजिटिव। नाउ क्या करना है, स्टेप फोर, देखो जो फैक्टर जहां से आया है, अब ये सेवन कहां से आया है, यहां से आया है, यहां से आया है, मतलब कहां से, यहां से आया है, उसकी पावर देखो क्या है, ओड है, तो पावर ओड है तो साइन चेंज होके बन जाएगा प्लस से माइनस। फिर दो पे देखो, दो कहां से आया, एक्स माइनस दो से, उसकी पावर क्या है, ओड है, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस। फिर वन कहां से है, x माइनस वन से है, उसकी पावर क्या है, ओड है, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस। जीरो कहां से है, x की पावर फोर से है, पावर इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसका रीजन समझे आप कि देखो दो से सात के बीच में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव 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 है, सिर्फ ये एक ऐसा फैक्टर है जो सात से छोटी वैल्यू पर नेगेटिव आंसर देगा, तो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही दो से पीछे क्या होगा कि ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, बाकी सारे पॉजिटिव आएंगे। फिर एक से पीछे क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो तीन नेगेटिव, ये चार पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अब जीरो के पीछे भी सर जो लोग मतलब सीधा अब रट्टा ही मारे कि सर चेंज करना है प्लस माइनस प्लस, तो उनको लॉजिक में बता रहा हूं कि जीरो के बाद नेगेटिव है, जीरो के पीछे भी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जीरो यहां से है, ये जीरो के बाद जाए या जीरो के पहले जाए, एक्स की पावर फोर आएगा पॉजिटिव ही, तो उसकी वजह से साइन चेंज नहीं हो रहा, उसकी वजह से साइन नहीं चेंज हो रहा, तो जीरो से पहले भी देखो ये चारों पॉजिटिव, ये तीनों नेगेटिव, और जीरो के बाद भी देखो ये चारों पॉजिटिव, ये तीनों नेगेटिव, तो जो फैक्टर जहां से, जो जीरो जहां से आया है उस फैक्टर की पावर देखो, अगर वो इवन है तो उसकी वजह से उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, अगर ओड है तो होगा, इसलिए जीरो के अबाउट साइन चेंज नहीं। अब माइनस वन कहां से है, एक्स प्लस वन से, उसकी पावर वन है, वन है मतलब ओड है तो साइन चेंज होगा प्लस। फिर प्लस है ये, अब माइनस टू कहां से है, एक्स प्लस टू से, एक्स प्लस टू की पावर क्या, इवन है, इवन है मतलब साइन चेंज नहीं होगा, और फिर वो ओड है पावर, साइन चेंज होगा। तो स्टेप फोर क्या है, टेक राइट हैंड मोर साइड तो लिख दिया, आफ्टर दैट चेंज साइन About critical point whose factor power is odd and whose factor power
जिसके फैक्टर्स की पावर जो है वो इवन है, देयर साइन विल नॉट चेंज। ठीक है, ये तो भैया अपन ने ऐसे अंग्रेजी में बनाकर लिख दिया, तुम तो देसी ये याद रखो कि राइट में प्लस पहले तो तभी लिख सकते हो जब सभी पॉजिटिव बनाए हुए हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसी स्टेप से चलते। राइट में तुम्हें नेगेटिव लग रहा है, तुम नेगेटिव लिख देते, और अगर पॉजिटिव लिखना है तो वो तभी जब सारे पॉजिटिव बनाए। उसके बाद प्लस माइनस साइन चेंज तभी होगा जो जीरो जहां से आया है उसके फैक्टर की पावर अगर ओड है, अगर इवन है तो नहीं होगा। जैसे जीरो कहां से, एक्स की पावर फोर से है, तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, जो चल रहा था वही चलेगा। ठीक है, ये सब हो गया, तो सबसे पहले सबको पॉजिटिव बना लिया, दैट्स योर चॉइस, वो भी मैंने बता दिया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर सभी क्रिटिकल पॉइंट लगाए, सबसे राइट में प्लस लिखा, लेकिन जब ये सारे पॉजिटिव है तो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। उसके बाद आपने क्या करा, सभी के साइन वाइन चेंज कर दिया। नाउ अपन को क्या करना है, इसको मिटा रहा हूं मैं। नाउ अपन को क्या करना है, स्टेप फाइव में ये ध्यान देना है, इंटरवल चूज करना है। अब आपका जो फाइनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, लेकिन आपने कन्वर्ट करके जो नीचे आ गए थे उसमें आपका समथिंग लेस देन इक्वल टू जीरो था, मतलब आपको क्या चाहिए, वो वाला हिस्सा चाहिए जिसके अंदर आपका नेगेटिव सॉल्यूशन है। तो देखो यहां से प्लस है, ऊपर है, यहां नीचे नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नीचे नेगेटिव है, ये नीचे फिर नेगेटिव है, फिर ये प्लस है, फिर ये ऊपर प्लस है, फिर ये नीचे नेगेटिव है, तो आपको कौन सा हिस्सा चाहिए जहां नेगेटिव नेगेटिव है। तो ये वाला हिस्सा ले लिया, दो से तीन, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो टेक इंटरवल वेयर यू गेट डिजायर्ड सॉल्यूशन, जिस इंटरवल में आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो वाला इंटरवल उठा लो। तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए तो एक तो आ रहा है माइनस इंफानाइट से -3, उसके बाद आ रहा है -1 से 0, उसके बाद आ रहा है 0 से 1, उसके बाद आ रहा है आपका 2 से 7, और इन सब के बीच में यूनियन यूनियन यूनियन। ठीक है, ये सब ले लिया। अब स्टेप सिक्स पे किस बात पे गौर करना है, जो मैं इसको अलग से इसमें मेंशन कर रहा हूं, अक्सर इस पे बच्चे गलती कर जाते हैं, कि डिनोमिनेटर में जो जीरो है, जो फैक्टर के रूट है, क्रिटिकल पॉइंट है, वो तो कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। लेकिन न्यूमिनेटर में जहां जहां जीरो हो सकता है वो वाले पार्ट काउंट करने हैं, इंक्लूड दोज क्रिटिकल पॉइंट्स इन न्यूमिरेटर फॉर विच वैल्यू बिकम्स जीरो इफ इनइक्वालिटी इंक्लूड्स जीरो। मतलब अगर इनइक्वालिटी में जीरो भी अलाउड है, अब मान लो जैसे क्वेश्चन में यार ये जीरो ना होता, अगर जीरो ना होता फिर तो कोई क्रिटिकल पॉइंट लेने की बात ही नहीं थी, क्योंकि -3 -2 -1 0 1 कुछ भी रखो वैल्यू जीरो आएगी, तो वो पॉइंट अलाउड ही नहीं थे, तब तो ये फाइनल आपका आंसर था, दैट्स इट। बट अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनइक्वालिटी में जीरो है, इफ इनइक्वालिटी इंक्लूड्स जीरो, देन इंक्लूड दोज क्रिटिकल पॉइंट्स आल्सो इन न्यूमिरेटर फॉर व्हिच वैल्यू बिकम्स जीरो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर वाले नहीं लेने हैं, न्यूमिरेटर वाले लेने हैं। तो देखो -3 लेंगे तो -3 पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, तो माइनस इंफानाइट से -3 पे क्लोज। फिर -1 पे आ रहा है तो माइनस यूनियन -1 से 0, 0 आ रहा है, हाँ 0 पे भी क्लोज है, तो यूनियन 0 पे 0 से 1 आ रहा है, 1 1 1 1 1 नहीं आ रहा, तो 2 और 7 भी आएंगे ना बस, अल्टीमेटली 2 और 7 नहीं आएंगे, 1 भी आ रहा है। तो देखो ऐसे लिखना और ऐसे लिखना, इसको आप ऐसे क्लब करके लिख सकते हो, -1 से 1 यूनियन 2 से 7, 2 और 7 पे ओपन आएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर के हैं। लेकिन देखो इस तरह में आप इस पॉइंट को भूल रहे हो, -2 को, -2 रखने पर भी वो जीरो आ रहा है, लेकिन -2 के अगल बगल का एरिया नहीं आ रहा, लेकिन -2 तो इंक्लूड होगा ना, तो आप लिखोगे यूनियन, तो अकेला है बेचारा, तो अकेले को ऐसे स्पेशल कमरे में लिखते हैं, डिस्क्रीट सेट्स में अपन ने पढ़ रखा है, दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्स बिलोंग्स टू दिस। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या करा हमने, देखा कि कोई भी लीनियर फैक्टर है, अगर उसका कोफिशियंट पॉजिटिव है तो उसके राइट में वो पॉजिटिव देते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव देते हैं, अगर वो नेगेटिव है ली कोफिशियंट तो राइट में नेगेटिव देते हैं, लेफ्ट में पॉजिटिव देते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि हमेशा राइट में पॉजिटिव लिखने के लिए उसको पॉजिटिव बना लें, नहीं है तो माइनस बाहर ले लें। फिर
हमने कहा डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर हमने कहा ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, सबसे पहले तो सबको पॉजिटिव बता दे, उसके बाद सबके क्रिटिकल पॉइंट लिख लें, उसके बाद राइट में मुंह फाड़ के प्लस लिख दें। तो ये मुंह फाड़ के प्लस तभी लिख सकते हैं जब सारे पॉजिटिव बनाए हुए हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, मैंने आपको बता दिया। देन प्लस माइनस इस तरह करो, जो फैक्टर जहां से आया क्रिटिकल पॉइंट उसका फैक्टर की पावर देखो, अगर वो ओड है तो चेंज होगा, इवन है तो वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे यहां जीरो और माइनस टू जिस फैक्टर से निकले उनकी पावर इवन से, तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं हुआ। उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन ले लो, आपको प्लस चाहिए था माइनस, अब इसमें गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन में ये प्लस था, आपने इसको माइनस में कन्वर्ट करके ये इक्वेशन बना ली थी इनइक्वालिटी, तो आपका सॉल्यूशन माइनस लेस देन जीरो वाला चाहिए, तो लेस देन जीरो वाला मैंने एरिया ले लिया। अब उसके बाद अगर यहाँ इक्वल टू जीरो है ही नहीं फिर तो बात करता आंसर आ गया, अगर यहाँ इक्वल टू जीरो है तो आपको वो पॉइंट भी लेने हैं जहां पर न्यूमिनेटर जीरो हो सकते हैं, डिनोमिनेटर तो जीरो कर नहीं सकते, तो वो वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लो जहां जहां वो जीरो हो रहे हैं। तो इसलिए कई बार ऐसे पॉइंट्स जो बेचारे इकलौते होते हैं ना, जिसके अगल बगल का सोल्यूशन नहीं होता बट अकेले होते हैं, वो छूट जाते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपको अलग से लिखा दिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। इन जनरल ये मेथड लगेगा हमेशा से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो फंडे हमने पहले पढ़े हैं जो नोट में आज की, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस ये नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, तो इन सबको इंक्लूड करते हुए एग्जांपल्स जो है जहां गलतियां करते हैं, कैसी गलती करते हैं बच्चे, और हमें उनको कैसे बचना है, इन सब चीजों को अप्लाई करके, तो इस पे अपन और एप्लीकेशन बेस्ड, इसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।